भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ आए और अगर वो अपने परफॉर्मेंस करते हुए कुछ मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक बिगड़ जाए, तो आप लोग उनका क्या नहीं करेंगे, हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे, साइलेंस होकर उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे ताकि उनका मिस्टेक सुधर जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है, क्या दिखाना है, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको यहाँ दिखाएंगे। फिर आपको रेडियो FM में और टेलीविजन के प्लेटफॉर्म में आपको दुनिया देखे। ठीक है, तो अभी हम शुरू कहाँ से करें, आइए चलिए, कोई भी आ जाए, कोई भी सुनाए बेटा, जिसको जो भी आता है, बिना डर के, जिसको जो भी आता है चलिए। Thank you.
सिक्स क्लास में था तो मॉर्निंग असेंबली जैसे होती है तो मुझे एक टॉपिक दिया बोलने के लिए, हमारे जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने कहा बेटा आपको बोलना। मैंने कहा सर मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं कभी स्टेज पे गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तुझे लिख के दूंगा। मुझे लिख के दिया और टॉपिक भी दिया और टॉपिक के ऊपर उन्होंने लिख के भी दिया। मैंने चार पाँच दिन अच्छी तैयारी की, खूब अच्छे तरीके से। और फिर मैंने आईने के सामने खड़ा हुआ, मैं आईने के सामने मैंने जो मेरे भाव थे, जहाँ उसको बात को दबाना था, उसको उभारना था, इस तरीके से मैंने खुद अपने से अभ्यास किया। और पहले दिन जब मैं वहाँ स्टेज पर गया तो मुझे 2 रुपये इनाम के मिले थे, हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने 2 रुपये इनाम के दिए। वो दिन था और आज का दिन है। बाद में फिर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हुए, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स भी, जर्नल कॉम्पिटिशन्स भी, और जहाँ भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, जहाँ यूथ पार्लियामेंट होती थी, तो एक बार मैं वहाँ पर फर्स्ट आया यूथ पार्लियामेंट में। तो मेरे पिताजी उस फंक्शन में गए हुए थे तो प्रिंसिपल से पूछा कि ये पढ़ाई में कैसा है। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि पढ़ाई में ठीक है लेकिन हमने आपके बेटे को नेता बना दिया है। तो बाद में फिर मैं राजनीति में आ गया, चुनाव लड़ा, जीत गया। तो वो मेरे घर पर आए, पिताजी को स्पेशल मुझे नहीं पता, पिताजी से मिलने के लिए आए। और उन्होंने कहा कि उस समय मैंने वो बात कही थी और उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती थी। देखिए तो कहने का भाव ये है कि अगर हम अपनी संताओं के कारण अपनी प्रतिभा को दबा के रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये गुण है। शुभकामनाएं, धन्यवाद। Come on.
से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मैं विजय सोलंकी, चेयरमैन श्रीलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। मैं श्रीलाल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल अंजना यादव, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच माउंट आबू से श्री रमेश जी और भानु प्रसाद जी आए और उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने बच्चों का ऑडिशन लिया और कुछ बच्चों को सिलेक्ट भी किया। हमारे बच्चे और हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माउंट आबू से आए हुए हमारे अतिथियों को और हेमा दीदी को हमारे पूरे स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।